हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज शुरू में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है, बहुत ही बड़ा शेयर है और एक काफी बड़ी गिरावट आज इसमें देखने को मिली। और आज ही नहीं, कल भी ये शेयर बहुत बड़ी गिरावट लेकर बैठा हुआ था और आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये शेयर 100 रुपए से नीचे ट्रेड कर सकता है, क्योंकि देखिए फंडामेंटली अगर हम देखने जाए तो शेयर बहुत दमदार है, लेकिन उसके बावजूद काफी बड़ी दिक्कतें के सामना इनको करना पड़ रहा है। आज 35% से 34% से 35% की भयंकर गिरावट लेकर ये बैठा हुआ है शेयर। आप देखिए 89 रुपीज के ऊपर पहुंच चुका है, 89 रुपीज के ऊपर पहुंच चुका है। 81 रुपीज तक का लो भी इसने बना दिया था। प्रीवियस क्लोज 135 रुपए का था, आप खुद देख सकते हैं। हाई ज्यादा नहीं बना, 126 का ही बना पाया था ये, और लो तो भैया बहुत नीचे 80 के आसपास का लो बनाया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मार्केट चल क्या रहा है और खरीदारी हाल फिलहाल में करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो शेयर 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज का दिन स्टॉक मार्केट के लिए काफी बुरा रहा है। भले आज का ही नहीं, भले पिछले 2 हफ्ते से मार्केट की हालत खराब हो चुकी है। मार्केट की हालत पिछले 2 हफ्तों से बहुत खराब है। इससे पहले भी गिरावट मार्केट में हमने देखी है, लेकिन ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी, ऐसी गिरावट नहीं देखने को मिली है। हालांकि डेफिनेटली इससे पहले भी देखी, लेकिन बहुत साल हो गए उस गिरावट को। अभी जो है निफ्टी की हालत बहुत ही खस्ता है, सारे के सारे सेक्टर में भयंकर गिरावट चल रही है, सारे के सारे सेक्टर में भयंकर गिरावट चल रही है। इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था अशोक लेलैंड का, वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी 50 रुपए से कम रुपए में, 50 से भी कम प्राइस में अभी ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए इंडिया बुल्स भी अभी 90 से भी कम रुपए में ट्रेड करने लगा है। हालांकि आज पूरा हाउसिंग सेक्टर और बैंक में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, जो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, तो देखिए तकरीबन भले यहाँ पर 14% लिखा है, लेकिन 33 से 34% तक डाउन रहा है। बजाज होल्डिंग एंड फाइनेंस, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो भी डाउन रहा। इडल वाइज भी 10% की भयंकर गिरावट लेकर यहाँ पर बैठा है। एक्सिस बैंक भी डाउन था 8 से 9% की। बजाज फिनसर्व ये भी डाउन था। बजाज फाइनेंस भी तकरीबन 10% तक टूट गया है आज। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो भी डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक भी 5% से बड़ी गिरावट है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस वो भी 5% की गिरावट लेके बैठे हैं। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल वो भी 5% की गिरावट लेके बैठे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 5% से ज्यादा की गिरावट लेके बैठे हैं यहाँ पर। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट वो भी 4% की गिरावट लेके बैठे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल वो भी गिरावट लेके बैठे हैं। एचडीएफसी में भी गिरावट है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी गिरावट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट है। आईसीआईसीआई अगर लेम्बार्ड की बात करें उसमें भी गिरावट है। तो देखिए यहां पर अगर हम देखने जाए तो पूरा का पूरा सेक्टर टूट चुका है, पूरा का पूरा सेक्टर यहां पर टूट चुका है। और सिर्फ इंडिया बुल्स ही नहीं, दिग्गज बैंक्स भी टूट के बिखर रहे हैं नीचे, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर और एक्सिस बैंक हो, सब में गिरावट चल रही है और उसमें इंडिया बुल्स भी किसी भी तरीके से बाकी नहीं है। लोग शेयर बेचकर अपना पैसा कहीं और लगा रहे हैं या फिर शेयर बेचकर अपना पैसा होल्ड कर रहे हैं, ताकि क्योंकि सबको पता है कि भैया गिरावट जो है वो थमने वाली तो है नहीं यहाँ पर, और वही चीज हो रही है। और हालांकि इंडिया बुल्स के साथ एक और कंट्रोवर्सी भी जुड़ चुकी है। इंडिया बुल्स ने, अगर आपको पता हो तो कल मैंने वीडियो भी बनाया था इंडिया बुल्स के ऊपर, और उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि भैया किस तरीके से इंडिया बुल्स बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है आरबीआई, यस बैंक और एनएसडीएल के खिलाफ। तो दिक्कतें वो भी है, और इनके जो बॉन्ड्स थे जिनकी वैल्यू तकरीबन इंडिया बुल्स की अगर हम बात करें तो जो बॉन्ड थे यस बैंक के बॉन्ड इन्होंने लेके रखे हैं, एडिशनल टायर वन बॉन्ड इन्होंने लेके रखे हैं और उनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा है। तो उनकी भी जो रेटिंग्स है उनको लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतों का इनको उनको सामना करना पड़ रहा है, जब से आरबीआई ने यस बैंक को लेकर काफी सारी चीजों में फेरफार किए हैं। तो इंडिया बुल्स की अगर हम बात करें, देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि शेयर 70% तक टूटा है। भैया कौन सा ऐसा शेयर होता है जो 1 महीने में 70% टूट जाता है? 340 रुपए के प्राइस से गिरकर आया है और 90 रुपए
ये पहुंच गया है अभी 340 रुपए से 90 रुपए पर पहुंच गया है शेयर। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किस क्राइसिस से हाल फिलहाल पूरा स्टॉक मार्केट गुजर रहा है। और सिर्फ इंडिया बुल्स ही नहीं, ये हालत जो है ना, ये जो गिरावट वाली जो हालत है ना, वो सभी शेयर्स की एक जैसी ही है। 50% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 1 महीने में दिक्कत शेयर्स में भी। पिछले 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में आप देखिए 87% तक की गिरावट है, 900 रुपए तक का हाई है। 3 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो 3 साल में 90% की भयंकर गिरावट है भैया, बहुत बड़ी गिरावट है। 1420 रुपए तक का हाई बना था, 90 रुपए तक का लो बना है। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आपने 100 रुपए मार्केट में लगाए थे तो आप अब सिर्फ 10 रुपए बचे हैं आपके पास। तो वो वाली हालत यहाँ पर देखने को मिल रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। और स्मॉल कैप स्टॉक बन चुका है ये, 3860 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप बचा है। अब 7.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज देखने को मिला है। हालांकि नतीजे की बात करेंगे तो अच्छे नहीं है क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर गिरावट है। देखिए अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे बाकी कंपनियों के हिसाब से, जो शेयर अभी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं उसके नेट प्रॉफिट 500 करोड़ भी नहीं होते, लेकिन इंडिया बुल्स के है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ दिक्कत कुछ और है। नेट सेल्स आप खुद देखेंगे कि भले 3370 करोड़ के नेट सेल्स है, लेकिन उसमें भी 500 करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं ये लोग। मतलब 80 के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि प्रॉफिट मार्जिन इनका क्वार्टर दर क्वार्टर कम हो रहा है। पहले जो सॉरी प्रॉफिट इनका नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, पहले 985 करोड़, फिर 710 करोड़, अब 550 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में, मतलब जब मार्च 2020 के आएंगे तो वो उतने अच्छे नहीं आएंगे। और सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नतीजे इतने अच्छे नहीं आने वाले हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 21.72% जितनी होल्डिंग है, एफएस के पास 47.16% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.35% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस फंड के पास 10.82% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 19.67% जितनी होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 14 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 322 एफआईआईज ने पैसा लगाया है। और आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एलआईसी के पास 10.72% जितनी होल्डिंग है इनकी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.59% की यहाँ पर देखने को मिली है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा ये पे कर रहा है, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम यहाँ पे देखें टेक्निकल रेटिंग तो वो कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही, अभी भी टेक्निकल रेटिंग इनकी डाउनग्रेड में है। और तो और पी काफी अट्रैक्टिव पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देखिए 1.64 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 17.03 है, बुक वैल्यू 403 की है जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए बहुत कम है, 0.22 के आसपास पहुंच चुकी है। 2000% का डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर, 2000% का डिविडेंड पे कर रहा है। ईपीएस 54.77 है, डिलीवरीज 12 के करीब की देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 24% यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो कर्जा इनके ऊपर है 96,000 करोड़, मतलब हम कुल मिला के अगर अगर राउंड फिगर कहते हैं तो 1 लाख करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा भी है। लेकिन उसको हम थोड़ा सा निग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी एटलीस्ट नुकसान में नहीं है, कंपनी पैसा कमा रही है, तो इसको हम थोड़ा बहुत निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखिए पूरा का पूरा मार्केट जो है वो टूट के बिखर चुका है, पूरा का पूरा मार्केट अभी टूट के बिखर चुका है। और इंडिया बुल्स की हालत, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की हालत बहुत ही बहुत ही बहुत ही खस्ता हालत में है। आप खुद देख सकते हैं कि 1420 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है, बीच में अगर बाउंस बैक की कोशिश भी करता है तो वापस शेयर नीचे गिर जाता है। ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले की जो गिरावट थी वो गिरावट ये थी कि उनके ऊपर काफी बार कॉरपोरेट गवर्नेंस के आरोप लगे थे, काफी लोगों ने कोर्ट में केस भी दाखिल किया था। और जैसे जैसे हियरिंग नजदीक आती थी या फिर जैसे कोई न्यूज आती थी कि भैया इनके ऊपर कोई केस हुआ है, शेयर में फट से गिरावट आ जाती थी। लेकिन उसके बाद ये बाउंस बैक कर लेता था, ठीक है, उसके बाद ये बाउंस बैक भी कर लेता था। लेकिन हाल फिलहाल में जो सिचुएशन है अभी कोरोना वायरस की वजह से, उसने पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को तोड़ दिया है। और सिर्फ इंडिया के अगर हम बात करें तो बहुत सारे दिग्गज शेयर्स हैं वो भी टूट रहे हैं, तो इंडिया बुल्स का टूटना तो वहां पर लाजमी बनता ही है, बहुत सारे शेयर भी यहाँ पर टूट के बिखर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा देखिए कि अभी खरीदने की जल्दबाजी ना करें। कल भी मैंने जब वीडियो बना था इंडिया बुल्स का और मैंने कहा था कि देखिए इसका बॉटम कहाँ है पता नहीं, अभी भी ये शेयर नीचे गिर सकता है, वो मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी अपने उसी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ।
कि भैया खरीदारी की जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें अभी, क्योंकि देखिए अभी भी इसका बॉटम और नीचे जा सकता है। जल्दबाजी ना करें आप इसमें खरीदारी करने के लिए। मैं मानता हूँ कि शेयर फंडामेंटली अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद जो सिचुएशन से अभी पूरा शेयर मार्केट गुजर रहा है, उसने बड़े से बड़े दिग्गज शेयर को तोड़ के रख दिया है। तो अभी वेट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जल्दबाजी ना करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। डेफिनेटली आपको खरीदने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मौके हमेशा मिलेंगे। मार्केट में आपको कोई मौका छूटा नहीं जा रहा है, जल्दबाजी ना करें, पैसा आप बचा के रखिए, आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आएगा शेयर्स मार्केट में खरीदारी करने के लिए। तो इंडिया बुल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।